ओके ओके नो प्रॉब्लम ऑल नाउ लास्ट टाइम हमने बेटा पढ़ा था कि अगर आपके पास कॉन्टीन्यूस बॉडीज़ है डिस्क्रेट मासेज है उनका सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकालेंगे ठीक है और जो कॉन्टीन्यूस शेप्स थी जैसे रिंग है डिस्क है सिलेंडर या जो भी है वट एवर ट्राइंगर लेमिना है या कोई और है तो मैंने बोला था कि उनका जो सेंटर ऑफ मास होता है दैट इज़ एट द जोमेट्रिक सेंटर बट प्रॉब्लम ये थी अगर सेमी सर्कुलर है सेमी हेमिसफेयर है इस तरह हैमिस्फेयर है या कोई भी आफ या सेक्टर है तो उनका सेंट्रोमास कैसे निकालते थे वो बताया मैंने आपको ओके okay, तो अब कई वो सारी जो शेप थी उनका जो डेंसिटी थी बेटा वो यूनिफॉर्म थी अब हम एक ऐसा प्रॉब्लम करेंगे जिसमें डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी ठीक है तो कॉन्सेप्ट क्या है नॉन यूनिफाम डेंसटी इसमें कोई भी शेप आ सकती है आपके पास बट अभी फ़िलहाल मैं एक रॉड ले रहा हूँ नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है इसी को हम कैरी करते हैं ठीक है तो इसमें क्या है मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन में क्या पूछेगे वो आपसे इसमें बेटा लीनियर डेंसिटी दे रखी होगी इस तरह से लेमड़ा क्या होती है लीनियर डेंसिटी मान लो ये दे रखी है वन प्लस टू एक्स ये आपके पास लीनियर डेंसिटी दे रखी है ठीक है और जो एक्स है वो मान लो डिस्टेंस है एक्स इज डिस्टेंस ठीक है आपको निकालना है लोकेट सेंटर ऑफ मास लोकेट सेंटर ऑफ मास लीनियर डेंसिटी का मतलब यहां पे रॉड दे रखी है एक रॉड दे रखी है तो रॉड की जो है लीनियर डेंसिटी है तो लीनियर डेंसिटी ऑफ रॉड कितनी है वन प्लस टू एक्स ठीक है बेटा तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे तो मैंने पहले आपको समझा रखा है जब भी आपके पास कोई ऐसी शेप है राधर देन डिस्क्रीट मासिस तो हम हमेशा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए तो ये देखो डेंसिटी सिर्फ कौन सी एक्सिस में है एक्स एक्सिस में तो एक्स हम हम निकालेंगे तो ये हम निकालेंगे एक्स डी एम कल मैंने आपको बताया था कॉन्टीन्यूस बॉडीज़ के लिए ठीक है और नीचे मैंने आपको बताया था डी एम फॉर्मूला तो यही लगेगा बट अब यूज कैसे करना है दैट इज मेन थिंग तो ऊपर एक्स है मुझे डी एम की वैल्यू यहाँ पे निकालनी पड़ेगी ठीक है बेटा तो मैंने आपको समझा रखा है पहले ही ध्यान देना इस बात पे। मान लो आपके पास मास एम है और लेंथ है ले इस का तो डेंसिटी क्या होगी बेटा मास अपॉन लेंथ ठीक तो जब भी वेरिएबल आता है यहाँ पे यानी कि फंक्शन आता है तब हम क्या लेंगे छोटा सा मास लेंगे स्मॉल मास हम इस रॉड का क्या लेंगे वेरी वेरी स्मॉल मास मान लो हमने छोटा सा मास लिया उस मास को हमने डी माना और उसकी लेंथ को डी मान लिया तो लीनियर डेंसिटी क्या होनी चाहिए फिर मास अपॉन लेंथ यानी कि डी अपॉन डी इतना समझ आ गया बेटा तो यहाँ से मैं डी भी निकाल सकता हूँ जो कि कितना आएगा लैमड़ा डी एक्स तो ये डी एम की वैल्यू आ गई यहाँ पे लैमड़ा डी एक्स क्लियर है तो इस वैल्यू को यहाँ पे डाल दो दोनों जगह तो गेटिंग तो वो देखते हैं ठीक है बेटा चलो तो सबसे पहले जो इसकी लेंथ भी कुछ दे रखी होगी रॉड की मान लो इसकी लेंथ दे रखी है एल या वन मीटर टू मीटर ऐसा कुछ दे रखा होगा ठीक है तो इसका वन मीटर ले, ले लेते हैं लेंथ कितनी दे रखी बेटा वन मीटर वन मीटर लेंथ की रॉड है ठीक है तो इसीलिए हम जो इसकी लिमिट है वो कहाँ से कहाँ लेंगे? गए ज़ीरो टू वन मीटर और डी एम की वैल्यू यहाँ पे है लैमड़ा डी एक्स ऐसे आप रख सकते हैं नीचे भी बेटा ज़ीरो टू वन लेगे लैमड़ा डी एक्स अब वैल्यू ऑफ लैमड़ा हमको पहले ही पता है हमको थोड़ी देर पहले ही पता चला है कि वैल्यू ऑफ लैमड़ा क्या है ये देखो दैट इज वन प्लस टू एक्स तो हम लिखेंगे एक्सएम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू लैमलैक की वैल्यू है बेटा वन जीरो टू वन वन प्लस टू एक्स इंटू डी एक्स बस अब आपको क्या करना है जस्ट इंटीग्रेट करना है बेटा ठीक है तो अगर मैं x को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा जीरो टू वन एक्स इंटू वन दैट इज़ एक्स ठीक है और अलग से मैं इसको इंटीग्रेट कर लेता हूं अब x को मैं मल्टीप्लाई करूंगा टू एक्स के साथ तो ये बनेगा टू एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम ज़ीरो टू एंड डी एक्स सेपरेटली मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ सिमिलरली नीचे भी मैं सेपरेटली करूँगा तो एक आएगा dx एक्स वन इंटू डी एक्स है ना एक आएगा टू एक्स डी एक्स ज़ीरो टू वन ज़ीरो टू वन ऐसे आप इसको सॉल्व करेंगे ठीक है तो ऐसा क्वेश्चन आ रखा है एक बार तो इसलिए आपने ज़रूर करना है ऐसा क्वेश्चन कुछ नहीं थोड़ा इंटीग्रेशन और बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अब मैं ऊपर अगर इंटीग्रेट करूं तो मेरे पास आएगा एक्स स्क्वेयेर टू फ्रॉम ज़ीरो टू वन ठीक प्लस टू बार आ गया इधर आएगा एक्स क्यूब बाय थ्री फ्रॉम ज़ीरो टू वन डिवाइडेड बाय नीचे बेटा डी एक्स का एक्स आएगा सॉरी प्लस इधर जो है अपने पास एक्स स्क्र बाय टू भी है साथ में एक्स स्क् ठीक है तो इसको आप कर सकते हैं पहले एक्स की जगह वन रखो फिर जीरो रखो तो अगर मैं इसमें देखूं आप मैं बाहर ले सकता हूँ एक्स की जगह वन रखेगा तो वन स्क्वायर होगा और जीरो का स्क्वायर होगा प्लस टू बाय थ्री कॉमन आ गया इधर भी वन स्क्वेयर वन और जीरो क्यू होगा डिवाइडेड बाय एक्स की जगह पहले वन रखना है तो वन ही आएगा वन बाइनज जीरो दैट इज़ वन टू से टू बेटा यहाँ कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वेयर की जगह वन रखेगा तो वन स्क्वेयर आएगा जीरो स्क्वेयर का कोई रोल नहीं है तो वन बाय टू प्लस थ्री बाई टू ये बचा ऊपर और नीचे बच गया बेटा वन वन प्लस वन टू तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा वन बाय टू थ्री टू बाई थ्री थे शायद दिस इज टू बाई थ्री तो टू पर आगे आएगा बेटा सेवन अपॉइन ट मीटर सेवन अपॉइन्ट ट्वेल्व यानी कि जो सेंटर ऑफ मास इसका आया है वो कितना है? Seven upon meter. और आया है सेवन अपॉइंट टेल्व मीटर और ये एक्स सी एम आया है वाई सी एम तो जीरो ही होगा क्योंकि रॉड कौन सी एक्सिस में थी एक्स एक्सिस में थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा यहाँ पे बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है ठीक है यूनिफॉर्म अगर शेप होगी तो उसके लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूले आपको मैंने सिखा रखे हैं वो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं ऑफ शेप्स के लिए पूरी शेप के लिए हमेशा जोमेट्रिक सेंटर पे होगा ठीक है तो ये जरा आप नोट कर लो समझ आ गया बेटा यस ये ओके yes, okay. अब अगला जो पार्ट है सेंटर ऑफ मास का जो आपके लिए नीट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो है लेमिनर बॉडी तो लेमिनर बॉडी क्या होती है तो लेट्स टॉक अबाउट इट लेमिनर बॉडी ठीक है तो लेमिनर बॉडी का मतलब बहुत पतली जो बॉडीज होती है जैसे रेजर ब्लेड है पेपर शीट है उस तरह की जिसकी थिकनेस बेटा हम इग्नोर कर लें थिकनेस हम क्या करेंगे ऑलमोस्ट उसको हम जीरो लेंगे थिकनेस इज इग्नोड व्हेन थिकनेस इज इग्नोड उस पॉइंट ऑफ टाइम में हम बॉडी को क्या बोलेंगे लेमिनर बॉडी तो लेमिनर बॉडी जो है किसी भी शेप की हो सकती है कैसे भी हो सकती है तो उसका आपको ध्यान रखना है मान लो मैंने क्या कर दिया एक इस तरह की शेप बना दी ठीक है ये मान लो मैंने कोई शेप बना दी एल शेप बना दी या कोई भी लेटर वाली शेप में बना सकता हूँ लाइक दिस इसकी कुछ इस तरीके से मान लो मैंने कोई शेप बना दी ये अब ये लेमिनर बॉडी जब थिकनेस नहीं दी होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगी लेमिनर बॉडी ये ध्यान रखना है आपने तो पहला काम हमारा क्या होगा यहाँ पे बेटा इस शेप को डिवाइड करना स्मॉल शेप्स में मान लो ये मैं फोर मीटर ले लेता हूँ और ये टू मीटर दे रखा है ये भी मान लो टू मीटर दे रखा है ठीक तो क्या आप बता सकते हैं क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं ऐसे डिवाइड कर दो और ऐसे डिवाइड कर दो कितनी शेप बन गई इसमें बेटा थ्री अब इन थ्री शेप्स का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे ध्यान से देखना है आपने ये आपका ज्योमेट्रिक सेंटर हो गया यहाँ पे और इसका ज्योमेट्रिक सेंटर हो गया यहाँ पे और इसका ज्योमेट्रिक सेंटर हो गया यहाँ पे क्लियर है अच्छा दूसरी चीज हमको यहाँ पे क्या करनी है बेटा दूसरी चीज हमने देखनी है कि ये इस डायरेक्शन में कौन सी एक्सिस होती है वाई एक्सिस और इस डायरेक्शन में ले रहा हूँ एक्स एक्सिस ऑरिजिन में यहाँ पे ले रहा हूँ दिस इज द दिजिन जैसे कल किया था ऐसे ही करना है यहाँ पे भी ठीक है तो थिकनेस यहाँ पे हमने क्या कर रखी है इग्नोर कर रखी है तो जो ये लेमिनर शेप्स होती है वो हमेशा एरियल बॉडी होती है क्या होती है एरियल शेप्स एरियल बॉडी इसका प्लेन का एरिया होगा कुछ ना कुछ इसलिए इसकी डेंसिटी मैं सिग्मा से लेता हूँ तो इसकी डेंसिटी होगी मास पर यूनिट एरिया तो यहाँ से जो मास आएगा बेटा वो क्या आएगा डेंसिटी इन एरिया तो एरियल बॉडी की डेंसिटी जो होगी इसको बोलते हैं सरफेस डेंसिटी जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं सरफेस डेंसिटी यानी कि कितना मास सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है इसको हम सिग्मा से डिनोट करेंगे तो मास को किससे रिप्लेस करेंगे हम यहाँ पे सिग्मा इन टू ए अगर डेंसिटी सेम है ऑब्वियसली बात है लेमिनर बॉडी की डेंसिटी क्या होती है हमेशा सेम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से तो डेंसिटी सेम है हर जगह तो एरिया अलग अलग हो सकता है ठीक तो अगर हम उस फॉर्मूले को देखें इसमें दो एक्सिस है बेटा एक्स एक्सिस भी वाई भी अगर मैं एक्सेम की बात करूं तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं एम वन एक्स वन कितनी शेप्स है देखो सारी वन टू थ्री थ्री शेप्स हमने इसको एल को डिवाइड किया तो थ्री एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री होल डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री ऐसे हम इसको डिवाइड करेंगे बट प्रॉब्लम यह है इन क्वेश्चन में बेटा जो मास है इट इज़ नॉट गिवन ये नहीं दिया होगा मास कभी भी जो है इन क्वेश्चन में नहीं दिया होगा अब आप सोचेंगे मास तो है ही नहीं कैसे फॉर्मूला लगाए इसलिए हम मास को कन्वर्ट करेंगे किस में बेटा डेंसिटी इनटू एरिया तो अगर मैं यहाँ देखूँ डेंसिटी तो सब में सेम ही है एरिया ए वन लिख लेता हूँ और साथ में आ गया एक्स वन इधर डेंसिटी क्या आ गई एरिया ए टू लिख लो एक्स टू लिख लो सिमिलरली सिग्मा तो सेम ही है एरिया ए थ्री और एक्स थ्री हो सकता है डिवाइडेड बाय सिग्मा ए वन प्लस सिग्मा ए टू अभी मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट फार्मूला यूज करूँगा अभी आपकी बताना चाहता हूँ कि फॉर्मूले आते कहाँ से तो इफ यू सी केयरफुली डियर चिल्ड्रन तो आपको यहाँ देखेगा कि जो सिग्मा है वो सब जगह आपको दिख रहा है तो अगर आप कॉमन लेंगे तो सारे सिग्मा क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे तो व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट वी आर गेटिंग फॉर फ्यूचर एक्सीएम में जो आया दैट इज ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू जितने भी एरिया है उस हिसाब से ऐड करते दो है तो दो तीन है तो तीन ए थ्री एक्स थ्री ठीक है होल डिवाइडेड बाय ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री अब ये फ्यूचर के लिए शॉर्टकट फॉर्मूला आपके पास बन गया है लेमिनर बॉडी के लिए कि एक्सएम अब यहाँ पे मास से हमारा कोई मतलब नहीं है वी आर लुकिंग फॉर द एरिया ओनली ठीक तो ये कॉन्सेप्ट आपने कब लगाना है वेन यू हैव अ लेमिनर बॉडी किसी शेप की बॉडी है है ना या आपको उस क्वेश्चन में ये तो नहीं लिखा होगा लेमिनर बॉडी है वहाँ क्या है उसकी थिकनेस नहीं दी होगी नंबर वन नंबर टू उसका मास भी नहीं दिया होगा तो इमीजिएटली आप जो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इसी तरह अगर वाई करना है बेटा आपको तो वो भी यही आएगा ए वन वाई वन प्लस ए टू वाई टू होल डिवाइडेड बाय ए वन प्लस एट अगर दो शेप है तीन है तो आगे ऐड करते जाओ जो भी आपको ऐड करना है दैट्स अप टू प्लीज नोट कर दो इसको अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है यहाँ पे इसको सॉल्व करिए कर दिया बेटा यस चल। अब देखो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे पहले तो मैंने एग्जांपल दिया था वो हम इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले बेटा हम देखेंगे एक्सीएम यहाँ पे वी आर लुकिंग फॉर द एक्सीएम। एक्सीएम। तो कितने एरिया है देखो यहाँ पे एक वन टू थ्री एरिया है तो हम लिखेंगे ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू प्लस ए थ्री एक्स थ्री ऐसे आप इसको कर सकते हैं होल डिवाइडेड बाय ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री तो सबसे पहले हम ए वन की बात करते हैं हमने वन इसको माना है तो इसका बेटा लेंथ कितना होगा ये वाला टोटल फोर है तो ये टू है तो फोर माइनस टू ये भी टू मीटर हो गया ब्रेथ ऑलरेडी टू मीटर है लेंथ भी टू मीटर है तो एरिया कितना होगा इतनी शेप का शुड भी टू इंटू टू यानी कि एरिया आपके पास आ गया फोर अब देखेगा हम एक्स वन तो एक्स एक्सिस से इसके सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ तक तो ये होगी देखो टू का हाफ यानी कि वन कितना समझ आ गया यस बेटा सिमिलरली सेकेंड का देख लो सेकेंड शेप का तो सेकेंड शेप का भी जो एरिया है वो उतना ही होगा देखो ये वाला ये टू है तो ये भी टू होगा और ये भी देखो टू है तो ये भी टू होगा टू टू फोर तो इधर आ गया फोर और एक्स टू कितना होगा यानी कि इस पॉइंट तक यहाँ से डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितनी है दैट इज वन अब देखेगा हम एरिया थ्री एरिया थ्री वही है टू इंटू टू ये भी टू होगा अगर ये टोटल जो है फोर है यहाँ से यहाँ तक ठीक है तो ये फोर हो गया अब देखेगा हम एक्स थ्री एक्स थ्री देखो अब एक्स एक्सिस से आपने कहाँ जाना है इस पॉइंट तक तो टू तो बेटा है ही है यहाँ तक वन और आगे आगे टोटल कितना हो गया यहाँ तक थ्री क्या ये समझ आया यस यस बेटा yes. Yes, आ, तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना है वंस यू प्रैक्टिस इट यू विल गेट इट चलो अब एरिया क्या था फोर प्लस फोर प्लस फोर बस सॉल्व हो गया तो इधर बन गया फोर फोर एट एट और ट्वेल्व कितना हो गया ट्वेंटी डिवाइडेड बाय ट यानी कि आपके पास आ गया फाइव फोर ज़ार फाइव फोर ज़ार ट्वेंटी अपॉन फोर थ्री ट्वेल्व तो फाइव अपॉन थ्री मीटर जो है एक्स cm आया है इसी तरह हम क्या निकालेंगे यहाँ से वाई cm. तो एरिया तो बेटा इसमें सेम ही रहेगा सिर्फ हम y लिखेंगे अब देखो a1 के लिए y कितना होगा तो ये x से एक्स से हमने y की वैल्यू लेनी है यहाँ तक तो टू तो ऑलरेडी है देखो ये वाला पोर्शन ये टू है तो ऊपर वन और आ गया तो यानी कि थ्री एरिया तो फोर ही है तो ये आ गया थ्री ठीक है प्लस ए टू फोर है अब वाई टू कितना होगा देखो अब यहाँ से यहाँ तक ये कितना है वन तो इसको वन लिख लो प्लस एरिया थ्री फोर है अब ये देखो y की वैल्यू वन नहीं रहेगी यहाँ पे यानी कि आपको सेम ही आंसर आने वाला है जो ऊपर था दैट इज फोर प्लस फोर प्लस फोर ट्वेल्व यानी कि आपके पास वही आ गया फाइव बाय थ्री मीटर अगेन अब जो सेंटर ऑफ मास की बेटा लोकेशन है उसको कैसे लिखेगा फाइव बाय थ्री मीटर कॉमा फाइव बाय थ्री मीटर ये आंसर आ गया ठीक है तो इसको थोड़ा ध्यान से देखो कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं लेमिनर बॉडीज के लिए ये तो मैंने एल शेप ली एफ शेप भी हो सकती है या आपके पास कोई पतली सी डिस्क भी हो सकती है या ऐसा हो सकता है एक बड़ी सी डिस्क है उसमें से छोटी सी डिस्क को काट देते हैं ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आता है रिमूवल ऑफ द डिस्क या आपने एक डिस्क के ऊपर दूसरी डिस्क रख दी और थिकनेस उनकी है नहीं लेमिनेर बॉडीज है तब आप प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे ठीक है पहले हम रिमूविंग ऑफ डिस्क का कॉन्सेप्ट करते हैं और उस तरह के क्वेश्चन जो है एस वर्मा में भी दे रखे हैं है ना फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे हो गया बेटा yes, चलो अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे सीधा ये वन एक्स वन मास नहीं लेंगे ऐसी प्रॉब्लम में चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं वैसे तो हम डायरेक्ट एस से भी ले सकते हैं क्वेश्चन ठीक है चलो मैं एक पहले क्वेश्चन ऐसी से सी लेता हूं नहीं तो खुद ही लिखना पड़ेगा इसमें काफ़ी अच्छी एक्सक्यूज मी सर यस बेटा सर मैं आपकी YouTube पे वीडियो देख लूँगा मेरे को यहाँ पे कुछ भी विजिबल नहीं है वीडियो क्वालिटी क्लियर नहीं है आपको स्क्रीन नहीं दिख रही मतलब सर वीडियो क्वालिटी मेरे को क्लियर नहीं आ रही यहाँ नेटवर्क इशू है ना सर शायद अच्छा तो सर आप रिकॉर्ड कर रहे हो सर इसे हाँ रिकॉर्ड तो कर रहा हूं अपलोड करोगे सर हां पर पता नहीं नेट यहां अभी वीक है ना तो देख लो जितना दिख रहा है फिर अपलोड करके तो देख ही लेगी आप कुछ सर ब्लर ही ब्लर दिख रहा है कुछ भी नहीं दिख रहा क्लियर एक मिनट आप रुको सर आप कैसा दिख रहा है यस yes, बेटा यस सर आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ आप आवाज़ आ रही है हाँ सर अभी आपने पहले कुछ बोला था ना ये सुना अच्छा अच्छा मैं बोलो स्क्रीन दिख रही है आपको हाँ सर थोड़ी थोड़ी मतलब ब्लर ब्लर दिख रही है बाकी दिख रही है अच्छा चलो कोई बात नहीं कोशिश कर लो तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे इसको ये क्वेश्चन नहीं है बेसिकली कॉन्सेप्ट होगा आपके लिए ठीक है क्वेश्चन तो ही है ही ये कॉन्सेप्ट भी होगा तो देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में अच्छे से समझना है आप लोगों को ये क्वेश्चन है ए का पर ये हम एज ए कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ठीक इसमें लिखा है एक यूनिफॉर्म डिस्क है आई विल मेक यूनिफॉर्म डिस्क है ठीक है मान लो ये यूनिफॉर्म डिस्क है दिस अ यूनिफॉर्म डिस्क जिसका रेडियस बेटा आर है तो इसका रेडियस हम आर ले लेते हैं इसका रेडियस क्या है कैपिटल आर पुट ऑवर एन अदर यूनिफॉर्म डिस्क एक किसी और अच्छा ये टू आर है इसका रेडियस ये बड़ी डिस्क है देखो टू आर वाली सेम थिकनेस, डेंसिटी ठीक है द पेरीफेरी ऑफ टू डिस्क टच ईच अदर यानी कि जो सेकेंड डिस्क हम यहाँ पे लेंगे उसकी जो पैरीफेरी वो टच करेगी तो पैरीफेरी कब टच करेगी ये देखो इसको थोड़ा इधर टच कर दो ये सिचुएशन है बेटा ठीक अब यहाँ पे इस नीचे ने बोला रिमूव करना है आपने इस पहले से एक डिस्क है उसके ऊपर आर रेडियस की जो हमने क्या है एक और डिस्क रख दी है ये क्वेश्चन है पैरीफेरी को टच करते हुए ठीक तो दो डिस्क है अब यहाँ पे हमने ऐड कर दिया इस डिस्क को क्या कर दिया है ऐड द टू डिस्क टच यानी अचीज पुट ओवर एन अदर यूनिफॉर्म दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखा है अब देखो अब हम क्या करेंगे सबसे पहले बेटा इसका सेंटर ऑफ मास्क कहाँ होगा बड़ी डिस्क का इस जगह पे तो उसको मैं अलग से यहाँ लिख लेता हूँ और सेकंड वाली डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहाँ पे होगा तो वो मैं अलग से यहाँ लिख लेता हूँ अब इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक आर यानी कि अगर मैं कोऑर्डिनेट्स बनाऊं तो यहाँ जीरो जीरो कोऑर्डिनेट आएंगे और यहाँ बेटा आर जीरो क्या ये समझ आ गए आपको ओके yes, okay. तो कोऑर्डिनेट समझ आ गए अब हम क्या करेंगे एक्सएम लेंगे क्योंकि ये जो दोनों सेंटर ऑफ मास है ये मैं कौन से एक्सिस में ले रहा हूँ एक्स एक्सिस में ओनली तो फॉर्मूला क्या लिखना है ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू अब यहाँ पे प्लस लिखना है अगर रिमूव करेंगे तो माइनस लिखना है अभी हमने ऐड किया है तो प्लस करना है ठीक है डिस्क को डिस्क के ऊपर रखा है तो हमने उसमें से कोई कट नहीं किया है वी हैव पुट एन अदर डिस्क तो एडिशन करना है एरिया का ए वन प्लस ए टू सिंपल चीज चलो एरिया ऑफ द बिगर डिस्क कितना होगा बेटा उसको हम ए वन मान रहे हैं यहाँ पे ये देखो इस जगह पे ए वन होगा और इस जगह पे ए टू होगा फिर एरिया होगा पाई इंटू टू आर स्क्वेर बड़ी डिस्क का इन टू एक्स की वैल्यू ये वाली जीरो होगी देखो प्लस ए टू का होगा पाई आर स्क्वेर और एक्स की वैल्यू होगी आर डिवाइडेड बाय एरिया फर्स्ट का होगा पाई इन टू आर होल स्क् प्लस पाई आर स्क्वेयर अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं यू विल गेट समथिंग तो पहले वाला तो जीरो ही बन गया ऊपर बन गया पाई आर क्यू और नीचे बनेगा फ, पाई फोर आर स्क्वेर प्लस पाई आर आर स्क पाई से पाई कैंसिल हो गया आर स्कर भी कैंसिल हो गया व्हाट द सेंटर ऑफ मास आर अपॉन फाइव ये आपका आंसर हो गया ठीक तो नोट कर दो इसको बेटा थोड़ा सा सर ओके देखो अब इसी का क्वेश्चन बनाता मैं जो कि रिमूवल ऑफ डिस्क के ऊपर होगा अभी हमने डिस्क ऐड की थी अब मैं डिस्क को रिमूव करूंगा एक बड़ी सी डिस्क है मान लो ठीक है तो इसका मैं रेडियस ले लेता हूँ टू आर सेम क्वेश्चन है बट यहां रिमूव करेंगे हम ये टू आर रेडियस है इसका सेंटर है मान लो इसको ओ मान लिया ठीक एनद रेडियस इज अनदर डिस्क इज रिमूव्ड फ्रॉम इट और इसको रिमूव, इट इट वे सो विल टच द अगेन। ये हमने कट कर दिया बेटा इसमें से ठीक ये मान लो कोई हमारे पास डिस्क थी पहले तो इसमें से हमने क्या कर दिया इतना पोर्शन बेटा कट कर दिया पोर्शन हमने क्या कर दिया कट कर दिया या रिमूव कर दिया ऐसा लिखा होता है और इसका रेडियस भी हम कितना लेंगे आर सेम क्वेश्चन में ले रहा हूँ समझाने के लिए इसको ओडेश मान लेता हूँ ठीक सारा कॉन्सेप्ट सेम है तो इसको हम मान लेते हैं ए वन ठीक है यहाँ कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट्स में हम मानेंगे ज़ीरो जीरो और दूसरे का टोटल मास कहाँ होगा उसके सेंटर पे तो दूसरे का यहाँ पे आएगा ए टू ठीक है सॉरी यहाँ पे कर लो तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा ये भी आर ही होगा देखो तो अगर ये आर होगा यहाँ कोऑर्डिनेट बनेंगे आर जीरो सेम उसी तरह से अब एक्स से हम निकालेंगे अब फर्क क्या आएगा दोनों तो में देखो ए वन एक्स वन क्योंकि आप सेकेंड एरिया माइनस कर रहे हैं सॉरी रिमूव कर रहे हैं कट कर रहे तो हम लिखेंगे ए टू एक्स टू नेगेटिव साइन यानी कि ए वन एक्स वन माइनस ए टू एक्स टू और नीचे भी करेंगे ए वन माइनस ए टू ठीक है बेटा यस कॉन्सेप्ट समझ आ गया कौन सा कॉन्सेप्ट है ये रिमूवल रिमूवल ऑफ पोर्शन यहाँ तो डिस्क है हो सकता है स्क्वायर हो स्क्वायर में से एक पोर्शन रिमूव कर दिया हो है ना या कोई और टाइप की शेप है उसमें से एक पोर्शन रिमूव कर दिया हो तो सब जगह इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे तो एरिया तो हम पहले निकाल चुके पाई इंटू बड़े वाले का इनटू एक्स वन जीरो था माइनस एरिया पाई आर होगा सेकेंड के लिए और एक्स टू होगा आर डिवाइडेड बाय अब नीचे आएगा ए वन जो कि पाई इनटू टू आर स्क्वेर होगा ठीक है माइनस पाई आर तो माइनस पाई आर क्यूब ऊपर बन गया नीचे बन गया फोर पाई आर स्क्वेर माइनस पाई पाई आर ठीक है आर स्क् डिवाइडेड बाय फोर माइनस वन कितना हुआ थ्री पाई आर स्क्वेर सब कुछ कैंसल हो गया तो ये आ गया माइनस आर अपॉन थ्री ठीक है तो एक्स कितना आ गया माइनस आर अपॉन थ्री अब इस माइनस का मतलब समझना कई बार इसी के ऊपर वो क्वेश्चन बनाता है कि किस आपसे पूछेगा क्या छोटी डिस्क के अंदर सेंटर ऑफ मास करेगा टोटल का या फिर बड़ी के अंदर लाई करेगा तो हमने ऑरिजिन बेटा यहाँ पे माना है देखो तो एक्स की वैल्यू आई है माइनस आर बाई थ्री एक्स की वैल्यू माइनस कहाँ होती है लेफ्ट साइड के लिए यानी कि सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं इधर लाई कर रहा है इन साइड द बिगर डिस्क तो हम लिखेंगे इन साइड द बिगर डिस्क तो हर चीज का यहाँ पे बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है तो वी केयरफुल अबाउट इट ओके सर समझ आ गया यस सर ठीक है अब ऐसा ज़रूरी नहीं है ये तो इजी बन गया क्वेश्चन हमने पेरीफेरी को टच कर दिया कुछ ऐसा कर दिया हो सकता है वो छोटा सा इसमें से डिस्क को रिमूव करे ठीक है तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे जब छोटा सा डिस्क रिमूव हो रहा होगा है ना तो वो भी आप कर सकते हैं मान लो मैं इसी क्वेश्चन को और आगे एक्सटेंड कर लेता हूँ दोबारा से कोई एक डिस्क ले लेता हूँ ठीक है और इसका रेडियस वगैरह रे लेके मान लो इसका सेंटर ओ है इसका रेडियस मान लो आ, ए ले लेता हूँ अभी रेडियस कितना तो ले ले रहा ए ठीक है अब हमारे पास एक यहाँ छोटी सी डिस्क और है जो कि मैं यहाँ जैसे ले रहा हूँ मान लो मैंने ऐसे डिस्क ले ली अब ये डिस्क टच कहीं नहीं है ये ध्यान रखना पहले वाली टच थी तो इसीलिए हमको एक्स की वैल्यू निकालना ईजी था अब इसमें क्या करेंगे हम चलो इसकी जो रेडियस है वो दे रखी है बी तो इसका सेंटर हम ले लेते हैं ओ डैश सिचुएशन वही है जो पहले वाली है अब दोनों में फ़र्क क्या है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं ठीक है और इनके रेडियस भी कई बार दिए होते हैं तो आप इसका रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं है ना तो सबसे पहले हम वही चीज करेंगे यहाँ पे यहाँ ओ आ गया यानी कि सॉरी ओ आ गया जहाँ पे एरिया क्या होगा ए वन इसी जगह पे जो है ओ डैश आ गया एरिया क्या होगा ए टू अब ये डिस्टेंस हमको निकालना यहाँ तो कोऑर्डिनेट बेटा जीरो जीरो होने चाहिए अब यहाँ कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के हमको लेंथ निकालनी पड़ेगी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी तो यहाँ एक्स की वैल्यू जीरो है यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है बेटा ए ठीक है टोटल कितना है ए यहाँ पूरे तक है ए तो बीच वाला कितना बचा फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने तो सेंटर तक ही देखना है बाकी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये देखो टोटल ए था और ये पोर्शन कितना है बी ठीक है ये भी कुछ ये भी कुछ पोर्शन बचा हुआ है देखो आगे के लिए बचा हुआ है ना yes, कुछ पोर्शन इधर भी बचा है ठीक है तो इसको मास की टेक्निक से भी कैलकुलेट कर सकते चलो पर हम तो ऐसे ही कर लेंगे इसको तो कोई दिक्कत नहीं है तो ऐसी कंडीशन में बेटा ये डिस्टेंस दे रखी होगी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दे रखी होगी मान लो इस डिस्टेंस को मैं एक्स ले लेता हूँ ये गिवन होगी एक्स हमेशा क्या हो गया ऐसे क्वेश्चन में गिवन नहीं तो आपके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा ठीक है कर तो उस तरह भी कर सकते हैं अगर नहीं भी दिया हो उससे फिर हमको मास के पीसीज निकालने पड़ेगा अलग अलग है ना तो दैट इज लेंथी मेथड तो इसमें जब भी क्वेश्चन आएगा तो एक्स आपके पास की बन होगा यानी कि आप देखो यहाँ आ गया एक्स प्लस बी आया कि नहीं यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स है और इससे आगे बी है तो एक्स प्लस बी कॉमन जीरो जो है आपके पास कोऑर्डिनेट्स आ गए बस बाकी तो कुछ भी नहीं है अब एक्स से हम यहाँ पे निकालिए ए वन एक्स वन माइनस ए टू एक्स टू होल डिवाइडेड बाय ए वन माइनस ए टू तो ए वन वही अपना पाई ए स्क्वायर होगा इधर जीरो आ गया माइनस ए टू होगा पाई बी स्क्वायर और साथ में इधर आएगा एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय पाई ए स्क्वेयर माइनस पाई बी स्क्वायर यानी कि डेटा मैंने नहीं लिया यहाँ पे अदरवाइज डेटा दिया होगा आपके पास है ना तो पाई बी स्क्वेर

तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ठीक है कल मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था क्वार्टर रिंग का यानी के सर्कल का क्या था वो सेक्टर, से नहीं। नहीं। सेक्टर 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 सिखाया था मान लो उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बना देते हैं सेक्टर का था रिंग का अगर सेक्टर आपके पास है मैं पहले एक्सिस बना देता हूँ मान लो ये एक्स और वाई एक्सिस है और यहाँ पे हम जो है सेक्टर बना देते हैं इस तरीके का ठीक अब आपसे पूछेगे कि ये जो है ये एंगल जो है नाइन्टी डिग्री है है ना तो रेडियस भी मान लो इसका दे रखा है यार आपसे पूछेंगे लोकेट सेंटर ऑफ मास याद करो क्या था इस तरह का कराया था कुछ देखो वाला आना आपने ये अल्फा लिया था ये भी अल्फा लिया था yes, ये आर लिया था याद है आर साइन थीटा बाय अल्फा लोकेशन ऑफ सेंटर था आर साइन अल्फा पॉन अल्फा यही था ना याद है यस तो अल्फा की जगह यहाँ पे क्या आएगा बेटा डिग्री नाइनटी डिग्री नहीं नाइनटी नहीं बाई सेक्टर लेना पड़ेगा हमको ऐसा होता है पाई बाई फोर, पाई बाई फोर, पाई बाय बाय यानी कि ठीक है इधर आ रहा साइन फोर्टी फाइव होता है वन रूट टू। ऐसा कुछ आ गया डिवाइडेड बाय पाई बाय फोर बेटा एज इट इज यानी फोर को मैं ऊपर ले रहा हूँ फाइव बाई फोर तो आंसर आपके पास आएगा अगर मैं रूट टू से मल्टीप्लाई करूं रूट टू से डिवाइड करूं फोर से टू कैंसिल हो जाएगा यानी कि आपके पास आएगा टू रूट टू आर अपॉन पाई समझ आया ठीक है तो बेसिकली अगर ये ओ है ये सी है ये किसकी डिस्टेंस आई है ओ सी की ओ के अगर सेंटर ऑफ़ मास पे yes, अगर कई बार वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आपके निकाले तो निकाल भी सकते ऐसे देखो ये एंगल फोर्टी फाइव डिग्री होगा तो ये वैल्यू भी आप निकाल सकते ये वैल्यू भी निकाल सकते अगर पूछे तब अभी तो मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ आपको आई होप क्लियर हो गया होगा यस सर ओके तो इस तरह के आप जो है किसी भी शेप का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेक्निक तो ये टेक्निक कब लगाएगा जब गी, मास गिवन नहीं होगा ठीक है बेटा yes, चलो अब अगले स्टेप पे चलते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे चले गए मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर सेंटर ऑफ मास।, मास जो है मोशन में आ जाए या रेस्ट में रहे तो हम किस तरह की प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर सकते हैं वो हम यहाँ पे सीखेंगे ठीक है बेटा फिर हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी करेंगे जो कि एक बहुत ही वंडरफुल टेक्निक है क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा अच्छे से यस बेटा Yes, या आप ऐसे भी कर सकते हैं जो रिमूवल वाला है पहले पूरी डिस्क अलग बना दो फिर रिमूव पार्ट अलग बना दो दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर लो और कैलकुलेशन के बाद जो है डायरेक्ट जो है उसको सॉल्व कर दो ठीक है यस yes, तो और भी दो तीन तरीके हैं अगर मैं सिखाऊँ आपको यहाँ पे तो दो तीन तरीके हैं तो सबसे आसान तरीका वही है जो मैंने अभी अभी, अभी आपको बताया था ठीक है तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आपको बिल्कुल टेक्निकल पॉइंट पे काम करना है यहाँ पे ठीक है क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत आएंगे आपके पास सबसे पहले हम ले डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोशन में डिस्प्लेसमेंट फोर्स वेलोसिटी एक्सलरेशन मोमेंटम इस तरह की बातें होती है तो सबसे पहले ले गए डिसप्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास मासप्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास तो उसको मैं आर सी से डिनोट कर लेता हूँ डिसप्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास को तो कल भी हमने किया था एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू ये फॉर्मूला हमने लिखा था प्लस सो ऑन जितने भी हो गए डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू सो ऑन ठीक है अब इसको मॉडिफाई कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए डिस्प्लेसमेंट होता है बेसिकली चेंज इन पोजिशन तो इसको मैं क्या लिखूंगा डेल्टा आर सी ठीक है बेटा और जहाँ भी आर वन है उसको डेल्टा आर वन कर लेते हैं प्लस एम टू इन टू डेल्टा आर टू हो जाएगा चेंज इन पोजिशन बन जाएगा बाकी सारा सेम ही रहेगा एम वन प्लस एम टू प्लस सो ऑन जितना भी आपने करना है वो आपकी अपनी मर्जी है ठीक समझ आ गया बेटा यस अब मान लो इसके ऊपर क्वेश्चन बना देता हूँ ताकि साथ साथ में आपको समझ आ जाए सपोज uh, दैट मैंने टू मासेज लिए यहाँ पे ठीक है इसके अलग अलग मास ले, ले लेते हैं मान लो एक का मास टू के जी ले ले लेते हैं और दूसरे का ले, ले लेते हैं फाइव के जी या कुछ और भी ले सकते हैं मैं जस्ट समझा रहा हूँ आपको ठीक है तो इस तरह की सिचुएशन दे रखी है आपके पास और इसके सेंटर भी जॉइंड है आपस में इस तरीके से अब क्वेश्चन आ गया जो ये टू के जी का मास है ये बेटा टू मीटर से आगे भाग रहा है मतलब इसकी डिस्प्लेसमेंट टू मीटर है और ये वाला मास जो है पीछे को जा रहा है थ्री मीटर डिस्प्लेसमेंट से आपसे पूछा जाएगा फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास अब सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा वो आइडिया पहले लगा लगाना हमको आता है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा कहाँ होगी इनके बीच कहीं पे भी होगा मान लो ये सेंटर ऑफ मास है अब इस सेंटर ऑफ मास की हमने क्या निकालनी है डिस्प्लेसमेंट ठीक है बेटा तो ये सारे एक्स एक्सिस में है तो हमारे लिए और इजी हो गया काम तो एक्स एक्सिस में हम हमेशा क्या लिखते हैं डेल्टा एक्स लिख लेंगे डेल्टा आर की जगह है ना तो इधर बेटा हम एम वन लिख देंगे पहले एम वन डेल्टा एक्स वन प्लस एम टू डेल्टा एक्स टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू कर दो सॉल्व एम वन कितना है टू के जी कितना है टू मीटर तो टू आ गया प्लस एम टू कितना है फाइव और डिस्प्लेसमेंट बेटा माइनस थ्री यानी कि वेक्टर मैंने तभी यहाँ पे लगा रखे हैं तो वेक्टर का मतलब है कहाँ कुछ डायरेक्शन है राइट right साइड को हम क्या लेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन है ना इस साइड को हम क्या लेंगे लेफ्ट साइड को नेगेटिव डायरेक्शन समझ आ गया तो थ्री मीटर वो बैक साइड के लिए चला है इस साइड के लिए तो इसलिए नेगेटिव और ये चला आगे के लिए इसलिए पॉजिटिव डिवाइडेड बाय टोटल मास यानी कि टू प्लस फाइव अगर आप इसका आंसर देखें तो अपने पास आएगा फोर इधर फोर आ गया फिफ्टीन माइनस फोर माइनस इलेवन अपॉन सेवन यानी कि जो सेंटर ऑफ मास था यहाँ पे जिसका नाम हमने सेंटर ऑफ मास रखा है वो कहाँ को चल रहा है बेटा उसकी डिस्प्लेसमेंट कहाँ को नेगेटिव डायरेक्शन में कितनी है इलेवन बाय सेवन मीटर क्या कॉन्सेप्ट समझ आया yes, नोट कर दो इसको हो गया सर ओके अब हम देखेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास सेम कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो इसमें हम क्या करेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑफ मास को वी सी एम लिख लेंगे ये क्या होगा बेटा डी आर सी एम अपॉन डी टी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होती है हमेशा वेलोसिटी। ठीक है तो मैं डायरेक्टली इस फॉर्मूले को लिख लेता हूँ वी सी एम होगा एम वन वी वन कर दो प्लस एम टू वी टू कर दो अगर और भी है तो आगे भी कर दो डिवाइडेड बाय दो मासज के लिए मैं कर रहा हूँ एम टू ठीक है अगर दो से ज़्यादा है तो आगे भी कर सकते हैं आप समझ आ गया इसी तरह फर्दर अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लें इस वेलोसिटी को तो ए सी एम आ जाएगा यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में और पास आ जाएगा वो कितना आएगा एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू प्लस सो ऑन क्लियर है थोड़ा सा आपने सिचुएशन ध्यान रखनी है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जो इसके बाद का पोर्शन है दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट यहाँ रख समझ आ गया सबको yes. ओके तो अब हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पे प्रॉब्लम्स को देखेंगे किस टाइप प्रॉब्लम यहाँ पे बन सकती है ठीक है तो जैसे मान लो कई बार एंगल के साथ भी प्रॉब्लम दी होती है वो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे सपोज दैट आपको क्वेश्चन आ गया इस तरह की प्रॉब्लम आपके पास बनी है और इधर को वेलोसिटी आपके लिख ली टू मीटर्स पर सेकेंड है और यहाँ को भी लिख ली टू मीटर्स पर सेकेंड है और यहाँ बेटा मान लो एंगल दे रखा होगा एंगल इज सपोज दैट थर्टी डिग्री या कुछ और एंगल भी ठीक तो हमारा काम तो सिर्फ क्या है एक्स और वाई में हमेशा वैल्यूज़ को लेना मान लो यहाँ पे मास रखा है इसका मास टू के जी है ठीक है आ, ये नीचे वाला मास एक मिनट वेट करो मान लो जो मास इधर को चल रहा है वो टू के जी का है और जो मास इधर को चल रहा है ये दिया होगा स्टेटमेंट में सारा ये लो वन के जी का क्वेश्चन वही है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आपको कैलकुलेट यहां पे करना है ठीक है बेटा तो फॉर्मूला क्या है बीसीएम कैलकुलेट करने का तो VCM का तो हमको पता ही है एम वन पी वन प्लस एम टू वी टू दो ही मासिज हैं डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू ठीक तो सबसे पहले एम वन कितना हमने लिया है मान लो वन के है ठीक है और विलोसिटी कितनी है देखो X एक्सिस में देखनी है अपनी विलोसिटी हमेशा तो इसको हम लिख सकते हैं टू i आई क्यों लिखेंगे? क्योंकि एक्स एक्सिस में इधर को माई ले गए और इधर को, I और को आई और इधर क्या लेंगे? j जे इधर को माइनस आई इधर को लेंगे गए माइनस जे डायरेक्शन बहुत जरूरी है बेटा यहाँ पे ठीक? प्लस अब एम टू कितना है टू के जी अब वी टू हमको निकालना है एक्स एक्सिस में तो कैसे निकालेंगे या टोटल निकाल दो बी टू को कैसे लिखेंगे तो इधर को भी आएगा और इधर को भी आएगा है ना बेटा तो अगर मैं बी टू को बात करूँ तो उसको कैसे लिख सकता हूँ मैं टू कॉस थर्टी डिग्री ये तो आएगा आई में प्लस टू साइन थर्टी डिग्री वो आएगा Y एक्सिस में तो उसको जे में लिखेगा मैं से ठीक है तो ये बन जाएगा टू कॉस थर्टी रूट थ्री बाई टू आई प्लस टू साइन थर्टी होता है वन बाई टू जी ये कैंसिल हो गया ये भी कैंसिल हो गया तो आपके पास आ गया रूट थ्री आई अच्छा ये बेटा नेगेटिव साइड को देखो नीचे ये नेगेटिव साइड को है तो यहाँ माइनस आना है तो वी केयरफुल अबाउट इट ठीक माइनस जी तो ये हमारे पास बी टू की वैल्यू आई है अगर मैं इसको वी टू मानता हूँ इसको वी वन मानता हूँ समझ आ गया यस बेटा यस सर सर मैं थोड़ा साफ साफ लिख लेता हूँ तो एम वन अपने पास था वन के जी और बी वन था टू आई प्लस टू के जी अब वी टू कितना है बेटा थ्री आई माइनस जे अब पॉन एम वन प्लस एम टू वन प्लस टू यह हो गया थ्री ठीक है तो आगे आप इसको सॉल्व कर सकते ये भी आई है ये वाला भी आई आ गए हैं ठीक है तो रूट थ्री बन गया आई कॉमन आ जाएगा टू प्लस टू रूट थ्री आई इसको मैं ऐसे लिखेंगे और जे वाला अलग लिखेंगे ये बनेगा माइनस टू जे अपॉन थ्री ये आंसर आ गया क्लियर है Yes, आपने अप्रोच सीखनी है वेलोसिटी ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा यस। yes, तो इसी तरह एक्सलेशन ऑफ मास भी हम निकालेंगे इसी तरह कुछ और भी हम निकालेंगे, जो भी हमारे पास क्वेश्चंस होंगे। ठीक है बेटा तो आ, आज अपने इसको रिवाइज yes. करना है बस लास्ट लेक्चर सेंटर ऑफ मास का कल होगा और काफ़ी टेक्निकल वो कॉन्सेप्ट होगा उसको करने के बाद मैं आपको सिखाऊंगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के इंक्लूडिंग सारी चीज़ें फिर हम एंट्री मारेंगे कोलिजन के ऊपर ठीक है कोलिजन फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा ठीक है ठीक है बेटा और ये कॉन्सेप्ट आगे जाके रोटेशनल मोशन में भी काम आएगा वर्क एनर्जी में मैंने सेंट्रो मास के एक दो प्रॉब्लम्स आपको बताई थी तो वहाँ पर भी यही चीज़ काम आई मतलब पूरी फिजिक्स में कहीं ना कहीं आप इसको लगाएंगे ठीक है यस yes, ओके